कम बैक दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये होंडा यूनिकॉर्न 150 BS4 मॉडल है एंड दोस्तों इसमें एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुका है। और दोस्तों प्रॉब्लम से ओनर दोस्तों बहुत टेंशन में है। दोस्तों प्रॉब्लम इतना भी मेजर नहीं है, बस दोस्तों प्रॉब्लम है इसका कि ये गाड़ी दोस्तों जब हम एक्सेलेटर इसका छोड़ते हैं गाड़ी बंद हो जाती है, और साथ ही साथ में दोस्तों जैसे ही आप इसे वापस एक्सेलेट करते हैं गाड़ी जो है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भुरभुरती है। मतलब दोस्तों एक्सेलेशन पूरा उसका प्रॉपर नहीं हो रहा, बहुत दिक्कत देती है, झटके देती है, मिसिंग करती है, बहुत ज़्यादा गाड़ी सता रही है, दिक्कतें दे रही है। तो दोस्तों आज सबसे पहले दोस्तों इसका जो है वो कार्बोरेटर अभी ओपन हो चुका है। दोस्तों कार्बोरेटर क्लीन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्रे मार के। दोस्तों कैसे स्प्रे कहाँ कहाँ मारना है वो भी मैं आपको अभी थोड़े दो मिनट में बताऊंगा। दोस्तों उससे पहले दोस्तों साथ ही साथ में हम इसका स्पार्क प्लग है वो चेक करेंगे, अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो दोस्तों ये चेंज होगा। साथ ही साथ में दोस्तों इसका एयर फिल्टर एंड दोस्तों फाइनल में इसके फोर्क के जो दोनों ऑयल सील है वो ऑयल सील हम चेंज करेंगे। और इतना सारा वर्क डन करने के बाद गाड़ी में देखेंगे वही दिक्कत है या नहीं। और दोस्तों एक चीज़ को ध्यान रखना, अगर कभी भी आप BS4 बाइक में ये प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे दोस्तों ये चारकोल कैनिस्टर जो होता है इसे दोस्तों हमें एक बार निकालना है, और इसमें से दोस्तों कुछ थोड़ा सा एयर वगैरह मार के यहाँ पे थोड़ा फूंक बिक के देख के, तो इसमें अगर दोस्तों कुछ भी नॉर्मल भी दोस्तों मिट्टी होगी तब भी गाड़ी जो है दोस्तों मिसिंग करेगी, आइडलिंग में प्रॉब्लम देगी ही देगी। तो दोस्तों अभी हम फटाफट से क्या करते हैं उसका कार्बोरेटर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये रहा दोस्तों हमारा कार्बोरेटर, और अभी ये दोस्तों ओपन हो रहा है धीरे धीरे। तो इसका दोस्तों ये चोक वगैरह सारा कुछ ओपन हो जाएगा, और साथ ही साथ में दोस्तों जितना भी दोस्तों इसमें मैल है वो हम क्लीन करेंगे। अभी यहाँ पे दोस्तों देख सकते थोड़ा बहुत इसमें मिट्टी है, और हमें स्प्रे जो मारना है वो दोस्तों इसके जितने भी होल्स हैं एंड दोनों जेट्स को स्प्रे करना है WD-40, ताकि दोस्तों अगर उसमें कुछ हो प्रॉब्लम तो सही हो जाए। और उसके बाद दोस्तों पूरा इसे फटाफट से ओपन कर लेते हैं, क्लीन करने के बाद फिटिंग करते करके होने के बाद उसका दोस्तों चारकोल कैनिस्टर हम ओपन करेंगे एंड देखते हैं दोस्तों क्या क्या दिक्कत आती है। तो दोस्तों अभी फाइनल जो है वो इसके दोस्तों दोनों फोर्क रेडी हो चुके हैं, तो दोनों हमने इसे असेंबल भी कर दिया, बिठा के हो चुके हैं, देख सकते हैं दोस्तों पूरा बाहर चमक रहा है। एंड अभी दोस्तों यहाँ पे कार्बोरेटर भी अपनी जगह पे सेट हो चुका है। अभी स्पार्क प्लग दोस्तों इसमें न्यू डालना है। और दोस्तों एक दिक्कत है इसमें, ये जो रियर टेल लैंप है वो दोस्तों बहुत नॉइज़ कर रहा है, ये देखिए इतना इसमें प्ले गिर चुका है। इस प्ले को हमें निकालना है, तो इस प्ले को देसी जुगाड़ में कैसे निकालते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहले काउलिंग रियर निकाल के ले लेंगे बाहर, फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या करना है। दोस्तों देख सकते हैं अभी यहाँ पे हमने इसे परमानेंटली फिक्स कर दिया है, टेम्पररी नहीं दोस्तों बोल सकते हम इसे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अभी परमानेंटली, और दोस्तों साथ ही साथ में दोस्तों हमने यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस दोस्तों इसे खोलने का कष्ट ज़्यादा होता है। तो अभी दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं है, नॉर्मल भी जरा सी भी, देख सकते हैं पूरा दोस्तों यहाँ पे पैक है। एंड यहाँ पे बस हमने इसे एक रबर डाल दिया है और इसे फिक्स कर दिया है, देखिए दोस्तों अभी ये बिल्कुल भी नहीं बजेगा। और जो कुछ भी वाइब्रेशन है वो दोस्तों हम निकाल देंगे, लेकिन यूनिकॉर्न में ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है, तो ये दिक्कत को इस तरीके से सॉल्व करना है। तो अभी फटाफट से नेक्स्ट काम करते हैं। फाइनली इसके फिटिंग का टाइम आ चुका है। अभी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एयर फिल्टर इसका नया है, और एयर फिल्टर दोस्तों चोक था, इसके लिए दोस्तों हमने सोचा कि इसका एयर फिल्टर चेंज कर दे, और बेसिकली अभी दोस्तों चेंज हो रहा है। तो अभी दोस्तों हम इसे कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे एंड इसे फटाफट से लगा देते हैं दोस्तों। एंड बाद में दोस्तों इसके ये होने के बाद हम इसका स्पार्क प्लग भी दोस्तों चेंज करेंगे। स्पार्क प्लग भी है दोस्तों, हमने इसका नया ला चुके, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वेस्ट स्प्लेंडर का है, ये देखिए दोस्तों यूनिकॉर्न इस पर लिखा हुआ है, आपको शायद दिख रहा होगा यूनिकॉर्न डेजलर CB ट्रिगर CBR। तो दोस्तों ये लंबा वाला प्लग इसे लगता है। एंड दोस्तों बारिश का मौसम चल रहा है, आपको शायद नॉइज़ की दिक्कत हो रही होगी, आवाज़ की परेशानी हो रही होगी। दोस्तों देख सकते हैं ये वाला, ये रहा हमारा नया स्पार्क प्लग, जो कि दोस्तों हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। अभी दोस्तों फटाफट से जो है इसमें इंस्टॉल कर देते हैं। अभी दोस्तों इसे यहाँ पे ऐसे फिट कर देते हैं। और दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, स्पार्क प्लग एक साल में मतलब 1 ईयर में एक बार दोस्तों चेंज ज़रूर करवा लेना, अगर सही भी हो तब भी दोस्तों इसे करवा लेना, क्योंकि दोस्तों ये स्पार्क प्लग जो है वो पानी से या फिर अगर ज़्यादा हो रहा है करंट कम ज़्यादा तब भी दोस्तों ये शॉर्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों इसे
ज़रूर सर्विस करते समय इसे चेंज करा ले। और दोस्तों इससे एक आपको बेनिफिट होगा, अगर आप इसे 100 या 110-120 रुपये इसे चेंज भी आप करते हैं तो दोस्तों आपको एक बेनिफिट रहेगा, माइलेज की दोस्तों प्रॉब्लम आपको कभी भी फेस नहीं करनी पड़ेगी, माइलेज आपका एकदम प्रॉपर रहेगा दोस्तों। तो अभी दोस्तों इसे फटाफट से टाइट कर देते हैं और इसे दोस्तों आप चेंज घर में भी आराम से कर सकते हैं। बस एक 16-17 का आपको रिंग लगेगा, वो बस ऐसे ही यहाँ पे, मतलब उसे कोई स्पेशल टूल की ज़रूरत नहीं। अगर आपके टूल किट में है तो आप इजीली चेंज कर सकते हो, नहीं है तब भी दोस्तों एक दोस्तों स्पैनर से आपका काम जो है वो चल जाएगा। इतना कोई मेजर इसमें बात है नहीं फिटिंग की, ये देख सकते हो आप आराम से दोस्तों ये फिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बिना किसी परेशानी के। मैं एक हाथ से दोस्तों कर रहा हूँ तो बेसिकली आपको थोड़ा दिक्कत दिख रही होगी, लेकिन दोस्तों इतना टफ नहीं है। और अभी दोस्तों ये होने के बाद हम क्या करते हैं, एयर फिल्टर को तो हमने प्रॉपर लगा दिया है, बस दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं एंड फाइनल में इसकी टंकी वगैरह बिठा के दोस्तों इसे फटाफट से रेडी कर लेते हैं। ओके, तो दोस्तों ये हो गया एंड इसकी एक कैप इसके ऊपर इंस्टॉल, ये इस तरीके से। अभी दोस्तों देखते हैं इसका एयर फिल्टर, एयर फिल्टर यहाँ पे बैठ चुका है आप देख सकते हो। तो अभी दोस्तों इसके ऊपर का एक कैप लगा लेते हैं एंड इसे फुल एंड फाइनल फिनिश कर देते हैं। अभी फाइनली जो है गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, अभी सबसे पहले इसकी की ऑन करते हैं एंड अभी हम सेल्फ यूज़ करते हैं। और अभी दोस्तों गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हो रही थी, मेन दिक्कत ये थी कि गाड़ी प्रॉपर रेस नहीं ले रही थी। और अभी दोस्तों हम यहाँ से एक्सेलेरेट करते हैं, गाड़ी जो है वो दोस्तों एकदम प्रॉपर रेस भी ले रही है। आप यहाँ पे आरपीएम देख सकते हो, ये देखिए दोस्तों एकदम इजीली जा रही है, जो कि दोस्तों गाड़ी में समस्या थी पिकअप से रिलेटेड एंड इसका जो है पिकअप से रिलेटेड थी एंड साथ ही साथ में दोस्तों इसका जो आइडलिंग का प्रॉब्लम था, गाड़ी आइडलिंग पे नहीं रुक रही थी। और अभी देख सकते हैं हमने इसके आइडलिंग को कम किया है और अभी आप देख सकते हैं आरपीएम जो है वो 1200-1300 के आसपास 1500 पे सेट है। तो दोस्तों प्रॉब्लम का ये देखिए प्रॉपर सॉल्यूशन हो चुका है। और दिक्कत जो थी दोस्तों वो इसके कार्बोरेटर में ही थी और साथ ही साथ में दोस्तों एयर फिल्टर की सर्विस ना होने के रीज़न से दोस्तों गाड़ी जो है वो इस प्रकार से कुछ दिक्कतें दे रही थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपके साथ भी दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले दोस्तों कार्बोरेटर को क्लीन करें और ये जो चारकोल कैनिस्टर है इसे एयर मार के क्लीन कर दे एंड थोड़ा सा दोस्तों पेट्रोल यूज़ करके इसे साफ़ कर दे पूरी प्रॉपर तरीके से। तो फटाफट से दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।